हाँ जी, अज आप गल करांगे सिर्फ ते सिर्फ कनैक्टर्स बारे, किवें तुसी केड़ा कनैक्टर लाउणा वा, किवें तुसी कनैक्टर ते स्टार्टर दे केड़ा कनैक्टर कित्थे लगना, केड़ा पहला लगना, केड़ा बाद चो लगना, ये वीडियो इस दे उत्ते आ। हाँ जी, जिवें मैं तुहानू पिछली वीडियो दे विच अटैम्पटेशन बारे दस्सिया सी कि बीपी वन ते बीपी टू किवें अटैम्पट करने आ। मोस्टली स्टूडेंट की करते ने सारा पैरा ला लिखे होंगे ने, ना कोई स्टार्टर ठीक ढंग लाते हैं, ना कोई एग्जैम्पल देंगे ने, ते ना ही कोई मेन पॉइंट रखते हैं। जिमें उन्होंने मन च एक लाइन एक व्यू आया, उन्होंने वो लिखता, सैकेंड आया, थर्ड लिखता, फोर्थ लिखता, जिथे जी किता हरेक लाइन तो बार कनैक्टर लाता। सो बिल्कुल रोंग तरीका वा, इस करके तो स्कोर है जो नहीं आ रहा आई थिंक। सो तुसी सब तो पहले जो मैं तुहानू पुरानी वीडियो दे विच दस्सिया वा टेम्पटेशन वाली च कि फर्स्टली लिखना वा, ठीक है। सब तो पहले तुसी इत्थे एक कनैक्टर लाउणा, हुण फर्स्टली जरूरी नहीं फर्स्टली ही लिखना, पांच छे कनैक्टर होर ने जिहड़े इस दी जगह ते लगदे आ। अज मैं तुहानू उही दस्सणे आ वी किहड़े कनैक्टर है। टू एक्सप्लेन इट दी जगह ते वी तुसी छे पांच छे मैं होर लियाईआं हरेक, ठीक है, वह मैं तुहानू दस्सूंगी। हुण हरेक कनैक्टर दे पांच छे सिनोनियम ने, ठीक है, वो तुसी इस दी जगह ते यूज कर सकते हैं ताकि तुहाडी जिहड़ी नैगेटिव मार्किंग ना होवे, तां इसलिए, ठीक है। फर्स्टली लाउणा वा पहला आपां, फिर आपां मेन पॉइंट देना, फिर टू एक्सप्लेन इट करके वो मेन पॉइंट नूं एक्सप्लेन कर देना, फॉर एग्जाम्पल देनी उसनूं वेरीफाई कर ली, ते अखीर ते आपां उस मेन पॉइंट दा उस एक्सप्लेनेशन दा सारा इहदा की रिजल्ट निकलदा पॉजिटिव कि नैगेटिव वो लिख देना, ठीक है। ओके, हुण फर्स्टली मैं तुहानूं जिहड़ा की आ आपां पहला कनैक्टर बीपी वन दे विच लाउणा वा, ठीक है। बीपी वन दे विच सब तो पहले आप किहड़े कनैक्टर ला सकते, जिवें मैं फर्स्टली लाया वा, तुसी होर किहड़े किहड़े ला सकते हो। हाँ जी, तुसी टू कमेंस विद भी ला सकते हो, टू बिगन विद, टू स्टार्ट विद, फर्स्टली, इनिशियली, ऑन दी वन हैंड, ये छे कनैक्टर ने। तुसी इन्हां विचों कोई भी कनैक्टर ला सकते, मैं फर्स्टली लाया सी, तुसी जिहड़ा मर्जी ला सकते। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, थोड़ी जो जेकर तुसी बीपी वन दे विच फर्स्टली लाया वा, तो तुसी बीपी टू दे विच सैकेंडली लायो। जे तुसी टू कमेंस विद, टू बिगन विद, जां टू स्टार्ट विद लाया, तो तुसी बीपी टू दे विच इन अडिशन जां फरदर मोर लायो। जेकर तुसी बीपी वन दे विच ऑन दी वन हैंड लाया वा, तो तुसी बीपी टू दे विच ऑन दी अदर हैंड, मीनस तुसी कोहीजन एंड कोहेरेंस का पूरी तरह ध्यान रखना है। हाँ जी, नैक्सट आ कंकलूजन वास्ते। कंकलूजन वास्ते तीन मेन होंगे ने, टू कंकलूड इट इन कंकलूजन, ये तीन जो ने कनैक्टर ने फॉर कंकलूजन के मूहरे जिहड़े तुसी लिखने आ। सो ये तीन ने। हुण नैक्सट हैगा वा जिहड़े मैं तुहानू बीपी वन दे विच जिहड़ी मैं चार चीज़ां लिखनियां वा, फर्स्टली दे कनैक्टर मैं तुहानू दसते ने। हुण टू एक्सप्लेन इट की जगह पर आपां की ला सकते हैं वह मैं तुहानू दसांगी। हाँ जी, टू एक्सप्लेन इट की जगह पर आपां ये पांच जो मैं तुहानू दस रही हां इन्हां दे ही मतलब, जिहड़ा आपां मेन पॉइंट नूं एक्सप्लेन करना वा, टू एक्सप्लेन इट, टू एक्सप्लीकेट इट, इहदा वी उही मीनस आ, टू आर्टिकुलेट इट, इहदा मतलब भी किसी चीज़ नूं एक्सप्लेन करना, टू इलैबोरेट इट, ठीक है, इलैबोरेट करना, इन अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों में, ये पांच कनैक्टर ने टू एक्सप्लेन इट की जगह पर लाने हैं। जिवें तुसी जे तुसी बीपी वन दे विच टू एक्सप्लेन इट ला लिया, तो आए नहीं ना भी तुसी बीपी टू दे विच टू एक्सप्लेन इट ला दोगे तो रेपीटेशन हो जूगी, उहदे नाल नैगेटिव मार्किंग होगी। जे तुसी टू एक्सप्लेन इट थोड़ा कॉमन लगता है, एक्सप्लेन वर्ड थोड़ा कॉमन लगता, तुसी लिखो टू आर्टिकुलेट इट, नैक्सट बीपी चो लिख दो टू इलैबोरेट इट, जो थोड़ा बीपी थ्री भी बन रहा तो तुसी इन अदर वर्ड्स, ये सारे तुसी इन कॉमनली याद करके ही जाने हैं। हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल एक्सप्लेन करने तो बाद आप एग्जाम्पल देनी, हम एग्जाम्पल के वास्ते भी थोड़े वास्ते मैं तीन जो ने कनैक्टर्स लैके आते हैं। जे फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टांस, टू एपीटोम, बीपी वन दे विच फॉर एग्जाम्पल लाता, नैक्सट विच फॉर एग्जाम्पल नहीं लाना, रेपीटेशन हो चुकी कि लाना फॉर इंस्टांस। जेकर बीपी थ्री भी बन रहा वा, वैसे तो बीपी थ्री दे विच मैं तुहानू प्रैफर नहीं करना, एग्जाम्पल आपां नहीं लिखनी बीपी थ्री दे विच, वर्ड लिमिट क्रॉस हो जूगी जिहदे नाल नैगेटिव मार्किंग होगी।
सो मैं थोनू टू एपीटोम, एक होंगे टू एपीटोम, ये तीन सी थोड़े एग्जैम्पल वास्ते, ठीक है। जो थोड़ा फॉर एग्जैम्पल कॉमन लग रहा वा तो तुसी फॉर इंस्टांस लिखो, नैक्सट बीपी टू एपीटोम लिखो, इन्हों का मतलब फॉर एग्जैम्पल ही है। हाँ जी, जो मैं थोड़ा दस्या वा हूँ बीपी वन दे विच चार चीज़ें इनवॉल्व होंगे। फर्स्टली कनैक्टर दसते, टू एक्सप्लेन इट, जिहड़ा बाद विच आपां मेन पॉइंट एक्सप्लेन करदे उहदे कनैक्टर भी दसते, फॉर एग्जाम्पल के कनैक्टर भी दसते। हुण जिहड़े इहनां दा रिजल्ट निकल के आना वा उहदे कनैक्टर, जिवें मैं इत्थे हैंस लाया वा, इहदे भी चार कनैक्टर ने, एज अ रिजल्ट भी लिख सकते तुसीं इस दी जगह ते, हैंस भी लिख सकते हो, दस भी लिख सकते हो, ते कॉन्सीक्वेंटली भी लिख सकते हो। इहनां सारिआं दा मतलब की हुंदा आ, इहदा मतलब रिजल्ट आपां जो निकल के आया उन्हां दा उहते लिखना है। ते इक होर हुंदा वा देयरफोर, देयरफोर भी तुसीं लिख सकदे आ, जो तुसीं बीपी वन ते बीपी टू दे लास्ट दे उत्ते एक्सप्लेन करके तुसीं आपदी टर्म नूं एक्सप्लेन करन तों बाद जो तुसीं उहदा रिजल्ट दसदे लास्ट ते, उदों तुसीं इह चार कनैक्टर जिहड़े उह यूज कर सकदे हो। एक गल दा ध्यान रखियो, फॉर कोई भी तुसीं स्टार्टर जां कनैक्टर लाया वा उस तों बाद तुसीं कॉमा जरूर पाउणा वा, कॉमा ना भुल्लियो। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिहड़ी चैक होंदी एग्जामिनर द्वारा, हरेक तो बाद तुसीं कॉमा लाउणा ही लाउणा है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो जे तुहानूं वीडियो चंगी लगी होवे इस स्टार्टर्स दी, कनैक्टर्स दी, ते अटैम्पटेशन दी, सो प्लीज़ सबसक्राइब माई चैनल। थैंक यू।